जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले ही कुछ कॉन्फ्रेंस में कहा था उन्होंने कि सिलीगुड़ी में भी जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें 10% बेड जो है वो कोविड पेशेंट के लिए रखा जाएगा। और फिलहाल हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के मौजूद हैं आनंदलोक हॉस्पिटल में, और यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ के अस्पताल के प्रमुख, इन्हीं से जानेंगे और कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ जो है वो की गई है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव न्यूज़ चैनल में। सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर अशोक कुमार खंडेलवाल। जी सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कि 10% सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के लिए बेड रिजर्व रहेगी, तो आपके अस्पताल में क्या क्या अभी आप लोग किए हैं? हमारे अस्पताल में, हमारे हॉस्पिटल की बेड संख्या 150 है, सो हमारे यहाँ 15 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड है कोविड के लिए किया गया है। हम लोग उसको आइसोलेशन वार्ड बोलते हैं, कोविड हॉस्पिटल तो बोल के कुछ है नहीं, जिस तरह के जो पेशेंट होते हैं आइसोलेशन वार्ड बोलते हैं उसको, आइसोलेशन वार्ड हमारे पास, उसमें इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं कोविड या जिनको कोविड जैसा संदेह होता है जी। उस टाइप के पेशेंट यहाँ रखे जाते हैं। सर, कब से आप लोगों के यहाँ पे कि अभी तक कोई पेशेंट आए हुए हैं? नहीं, नहीं, ये तो हमारा यहाँ जो है 3 महीना पहले से ही हमारे पास अरेंजमेंट है। अच्छा, इस तरह का आइसोलेशन वार्ड का, ठीक है, पेशेंट आते हैं बीच में, पेशेंट तो रहते हैं, अभी भी हमारे पास पेशेंट जो है 10 पेशेंट है कोविड के, कोविड के नहीं है, कोविड रिलेटेड जिसको जिसको आइसोलेट करना पड़ता है। जी, जी सर। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसमें क्या होता है कि जो सारी का पेशेंट होता है, यहाँ अलग से तो अलग है नहीं, जो सारी का पेशेंट है या कोविड का पेशेंट है जिसको आप संदेह करते हैं, तो यहाँ टेस्ट होता नहीं है, टेस्ट वो बाद में आएगा, रिपोर्ट आएगा। तो जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, जो पेशेंट सर्दी जुकाम खांसी वगैरह और साथ में जिसका जो सीटी वगैरह में या एक्सरे में फाइंडिंग होता है निमोनिया का, उस टाइप का पेशेंट का हम लोग जो है सारी का पेशेंट बोलते हैं, उस टाइप के पेशेंट, और जो या जिसका पॉजिटिव हो जाता है वो सारे पेशेंट जो है आइसोलेशन वार्ड में रहता है। अच्छा, उसको जैसे मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड रहता है। बिल्कुल सर। अभी आप लोग टेस्ट जो हो रहा है वो कुछ दिनों पहले कहा गया था कि वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग के जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो क्या वहाँ पे शुरू हो चुकी है काम? टेस्ट हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में हो रहा है कोविड का। हाँ, टेस्ट हमारा हो रहा है। सर, क्या प्राइस ले रहे आप लोग? प्राइस तो सेंटर वाले बताते हैं, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस वही प्राइस है, जो कि 4,000, जो कि पहले 4,500 था उसे कमा के, नहीं नहीं उससे कम है जो है, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है वही है, उसी के वही है। और सर, यहाँ पर किस तरीके से आप लोग अभी प्राइस ले रहे हैं या फिर फ्री है, क्या है जो पेशेंट की आइसोलेशन? जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस वही हम फॉलो कर रहे हैं, जो प्राइस के लिए गवर्नमेंट का गाइडलाइंस वही फॉलो कर रहे हैं, लिस्ट माल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस वही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें सर, तो एंट्री और एग्जिट अगर कोविड या फिर सस्पेक्टेड जो भी पेशेंट है तो उनके लिए क्या एंट्री और एग्जिट की क्या व्यवस्था है आपके वहाँ पे? हमारे यहाँ जहाँ आइसोलेशन वार्ड है, जो आइसोलेशन वार्ड का जो गाइडलाइंस है कि उसका अलग एरिया होगा, वहाँ कोई दूसरा बंदी व्यक्ति नहीं जा सकता है, उसके लिए अलग से लिफ्ट होगा, वो सारा हम लोग ने अलग से करके रखा है, ठीक है कि नहीं? खाली जो पेशेंट का भी हमारा जो एंट्री एग्जिट सब अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, और सर, और इसके अलावा कुछ अगर सिक्योरिटी की बात करें, जो डॉक्टर्स या फिर जो नर्स उनको सेवाएं दे रही हैं, तो वो क्या अभी इस वक्त तो घर नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि जो भी व्यक्ति जो है उनको जो सर्विस दे रहा है उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना चाहिए, वो हम लोग दे रहे हैं। सर, आज की अगर हम बात करें तो आज डॉक्टर्स डे है, आपको भी डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं, क्योंकि इस कोविड के महामारी में भी आप लोग कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं और इस तरीके से इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप लोग आज किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर कैसे काम कर रहे हैं? काम तो चलते ही रहा है आज सर, जनसाधारण को हमारी तरफ से धन्यवाद, और आज डॉक्टर्स डे है और हमारा काम तो वैसे ही जैसे दूसरे नॉर्मल डे है वैसे ही चल रहा है। जरूर हमारे जो फाउंडर है मेडिकल बंगाल में, जो जिसके नाम से हम लोग ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया था, डॉक्टर विधान चंद्र राय, हाँ उनके हमने उनका जो है स्टार्ट, जो हमारा एक कर्तव्य है, हमको श्रद्धा जनाते हुए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, जो उनको पुष्पमाला अर्पित करना,
उनका हमने फोटो लगाया पेसेज में जिससे लोगों में अवेयरनेस हो। ये एक फ्यू कुछ मिनट का प्रोग्राम था जो हमने किया है, बाकी हमारे जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो चल रही है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसा इसके अलावा और कोई दूसरा सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी जो हॉस्पिटल में और पेशेंट को जो है उनको ही सेवा देने में व्यस्त है, और यही हमारा डॉक्टर्स डे का ही यही उद्देश्य भी है। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे सर से, और सर ने जिस तरीके से बताया है कि उनके यहाँ पे गाइडलाइंस को मानकर ही सारे कामकाज जो है वो चल रहे हैं, और कोविड या फिर जो भी सारी सस्पेक्टेड जो पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूरे तरीके से निगरानी की जा रही है। और हम यही आशा और उम्मीद करेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस बीच कोविड के बीच में भी कोई भी छुट्टी लिए बिना, तो उन सभी को, आप सभी डॉक्टर्स को, नर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। और आगे और भी अन्य अस्पतालों में भी हम जाकर के देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से क्या व्यवस्था जो है वो की गई है।